नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पिछले करीब 1.5 साल से स्कूल कॉलेज बंद हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने कोरोना की दूसरी लहर के कम होने के बाद स्कूल खोल दिए हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों में अभी भी स्कूल बंद है। इसे लेकर अब संसदीय समिति ने चिंता जताई है। समिति का कहना है कि वैश्विक कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने और अब उसे दोबारा नहीं खोलना छात्रों के लिए खतरनाक हो सकता है। समिति ने स्कूल को फिर से खोले जाने से पहले कई अहम सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही कई दिशा निर्देश भी तैयार किए हैं। समिति का कहना है कि स्कूलों के बंद होने से परिवारों के सामाजिक ताने बाने पर नकारात्मक असर पड़ा है। इससे घर के काम में बच्चों की भागीदारी भी बढ़ी है। संसदीय समिति के मुताबिक 1 साल से ज्यादा समय से स्कूलों के बंद होने से छात्रों की सेहत, खासतौर से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। स्कूल नहीं खोलने के खतरों को नजरअंदाज करना बहुत गंभीर है। छोटे बच्चों को घर की चार दीवारी के अंदर कैद करना, स्कूल जाने में असमर्थ होने के कारण माता पिता और बच्चों के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। समिति का कहना है कि वर्तमान स्थिति ने सीखने के संकट को बढ़ा दिया है, जो कि महामारी से पहले भी मौजूद था। इससे बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति ने महसूस किया कि स्कूलों को खोलना और भी जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि सांसद विनय सहस्रबुद्धे शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की है, जिसमें उन्होंने स्कूल को खोलने के कुछ अहम सुझाव दिए हैं। सभी छात्रों, शिक्षकों और उनसे जुड़े कर्मचारियों को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दें ताकि संक्रमण का खतरा कम बना रहे। छात्रों की संख्या को 2 भागों में बांटकर 2 पालियों में क्लास चलवाना, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि उपस्थिति के वक्त थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना जरूरी है। इसके अलावा जिनके अंदर लक्षण है उन्हें अलग कर देना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।